दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम अजय वर्मा अपने रिएक्शन वीडियो चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और कॉमेडी भरा रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको इस रिएक्शन वीडियो में एक कॉमेडी मूवी का ट्रेलर दिखाएंगे जो 1998 में आई थी, जिसका नाम है घरवाली बहरवाली। आज हम आपको घरवाली बहरवाली मूवी का ट्रेलर दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का रिएक्शन वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई वाह, घर वाले एक तरफ बाहर वाले, ये बोले वो आला बोले मिताली। मनीषा नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है। मेरे दो दो बच्चे हैं, एक आप और एक आपका बेटा। आप दोनों भी क्या बच्चों से कम हैं? जाने मैं आपके साथ शादी करके काजल दीदी के साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। इस घर की हर चीज बदल सकती है, लेकिन जो तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में है वो कभी नहीं बदल सकती। जो औरत माँ नहीं बन सकती उसे तुम्हारी पत्नी बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर अरुण, आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे जीते जी, मेरी आखिरी सांस तक मैं इनकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। ये मुबारकबाद की उल्टियाँ नहीं है, ये जो मैंने दवाई पी है ना उसकी उल्टियाँ हैं। और मेरे उल्टियाँ करने से काजल थोड़ी माँ बनेगी। गलत रिपोर्ट बता के मुझे बेवकूफ बनाया, इतनी मार मारूंगा कि जिंदगी में तेरी औलाद पैदा नहीं होगी। मुझे मालूम है कि तू काजल से बहुत प्यार करता है, मगर वो प्यार तुझे बच्चा नहीं दे सकता। पिताजी, मैं मर सकता हूँ मगर काजल के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। तेरा बूढ़ा बाप अपने पोते के लिए तड़प रहा है, तू उसकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता। पिताजी, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन काजल की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। तूने मुझे पोता तो नहीं दिया, मगर अपने हाथों से जहर जरूर दे दिया। अरे भैया, वो लोग हथियार लेके हमारी तरफ आ रहे हैं, लगता है इधर सुसु करना क्राइम है। अरे, इसने एक नेपाली लड़की के साथ शादी का वादा करके उसकी जिंदगी खराब कर दी। बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। उसका कहना है कि लोगों को सच्चाई का पता चल जाए इससे पहले आप नेपाल छोड़कर चले जाएं। नेपाली लड़की जब एक बार किसी को अपना दिल देती है ना, तो फिर उसके लिए अपनी जान तक दे सकती है। नेपाल की ठंडी ठंडी हवाओं में देखो ना क्या हो गया, एक लड़के का एक लड़की से गलती से लफड़ा हो गया। आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा कि तू दूसरी शादी कर। उन्होंने पहली बीवी से छुपा कर दूसरी शादी कर ली और जब पहली को पता चला तो उसने कॉफी में जहर डालकर उनको मार दिया। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी बहू कितनी महान है। नेपाल में काम खोले हुए तीसरा महीना चल रहा है ना, तो तीन महीने में जो मैंने बरसों की मेहनत की उसी का मुझे फल मिल रहा है। जिस भगवान ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना है वही भगवान तुम्हें न्याय देगा। जिस बच्चे की मन्नत के लिए मैं तीरथ तीरथ डोलती रही कि हे भगवान, इस वंश का आगे बढ़ाने के लिए एक चिराग दे दे, भगवान ने मेरी सुन ली। तेरा वो दुम छल्ला दोस्त है ना, उसके दुम पे मैंने अपना भारी भरकम पैर रखा तो फड़फड़ा के उसने सब उगल दिया। अरे वाह, मर्द कुछ भी जुल्म करते रहे और ये भारतीय नारी बनी रहे। काजल का मतलब है ये बेचारी बहुत परेशान है और घर में काम काज हाथ बटाने के लिए काजल इसे यहाँ ले आई। मनीषा मेरी बहन, मैंने बेकार में तुझ पर शक किया, मुझे माफ कर दे। ये दोनों मेरे अरुण की जीवन संगनिया बनकर इस घर में सदा खुश रहे। ये है शहर की गोरी, वो है गांव की छोरी, दोनों के हाथों में मेरी पतंग की डोरी। ये दोनों असली, ये दोनों नकली, वो है नेपाली बुलबुल, ये मुंबई मिर्ची वाली। गिर जाओगे, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या इंसाफ है? अरे जिस माँ ने अपनी कोख से जिस बेटे को जन्म दिया है उस माँ को अपने बच्चे को खाना तक खिलाने का हक नहीं है।
तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की है, इसके आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। हम पति अपनी पत्नी की जिंदगी में किसी गैर मर्द का साया भी बर्दाश्त नहीं करते। मैं तो कहती हूँ वो इसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शादी के लिए हाँ करा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इंसान हालात को नहीं संभालती, हालात इंसान को संभालती हैं। इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना हक मनीषा का भी है। तुम एक नौकरानी को मेरे बराबर का दर्जा दे रहे हो, आप एक धोखेबाज पति हैं, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। जब से तुम इस घर में आई हो इस घर की खुशियाँ निकल गई हो। सच्चाई तो यह है डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार कि तुम बच्चे की माँ कभी नहीं बन सकती। तो दोस्तों ये था आज का कॉमेडी भरा रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको घरवाली बाहरवाली मूवी का ट्रेलर जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए रिएक्शन वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप ऐसे ही मज़ेदार रिएक्शन वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों घरवाली बाहरवाली मूवी 1998 में आई थी। इस मूवी में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं अनिल कपूर, रवीना टंडन, रंभा, कादर खान, सतीश कौशिक, राकेश बेदी, टीकू तुलसानिया ने। तो दोस्तों आज का रिएक्शन वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले रिएक्शन वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त अजय वर्मा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।